थाना आधारताल क्षेत्र अंतर्गत बैंक एवं एटीएम में चोरी का प्रयास करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने बैंक में चोरी करने की योजना बनाते हुए महज 24 घंटे के अंदर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने में विशेष भूमिका निभाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस शहर के अन्य क्षेत्रों में स्थित एटीएम में हुई चोरी के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात को अंजाम देने के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। कुछ दिनों से एटीएम एवं बैंक में चोरी करने का प्रयास करता रहा है। ये घटना 18 अप्रैल की है, जिसमें कि पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास किया गया था। फिर अभी 7 तारीख की रात को, 6-7 की दरमियानी रात को 2 अटेम्प्ट हुए थे। एक यूको बैंक में अटेम्प्ट था चोरी का, वह SBI के ATM में तोड़फोड़ करके चोरी करने का अटेम्प्ट किया गया था। अभी जिस गैंग को हमने पकड़ा है उसमें 6 लोग हैं, जिसमें मुख्य इसके सूत्रधार हरेन सिंह राजपूत हैं और उनके साथी, उनके जो कर्मचारी हैं परमूलाल केवट, सचिन केवट, अली अब्बास खान, शंभू गुप्ता। टोटल इसमें 6 लोगों की गैंग है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये संबल हथौड़ा और पेचकस एवं अन्य औजार जो आपके सामने यहाँ रखे हैं, इनसे ये ATM को तोड़ते थे, फिर उसमें चोरी का प्रयास करते थे। मैं इसको एक अच्छी सफलता मानता हूँ। इससे आगे आने वाले समय में जो अटेम्प्ट जो होते थे, जो पहले होते थे और आगे भी जो भी इस तरह की घटनाओं में जो रोकथाम होगी।